350 और भू कानून की मांग जोरों शोरों के साथ उठ रही है। 18 फरवरी को मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग कोटद्वार में गूंजी। कोटद्वार की हर गली से आम जनता, कांग्रेस के नेता, यूकेडी के नेता, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी मांगे रखी। मूल निवास संघर्ष समिति के आह्वान पर इस रैली को काफी समर्थन मिल रहा है। रैली में पहुंचे लोगों ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश के लोगों का अधिकार खत्म किया जा रहा है, उससे एक दिन प्रदेश के मूल निवासियों के सामने पहचान का संकट आ जाएगा। उत्तराखंड की जनता ने साफ कहा कि अगर मूल निवास 1950 और भू कानून को लागू नहीं किया गया तो जनता चुनावों का बहिष्कार करेगी। बता दें कि जो प्रमुख मांगे उत्तराखंड की जनता मांग रही है, उनमें मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 लागू की जाए, प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो, शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो, 250 वर्ग मीटर जमीन उसी को दी जाए जो 25 साल से उत्तराखंड में सेवाएं दे रहा हो या रह रहा हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, गैर कृषक द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे, पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे, राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, राज्य में उन सभी पदों में स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता लागू की जाए जो सीधे जनता से जुड़े हैं। आज चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा, उनकी धरती पर मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन का शंखनाद हुआ। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्ति शामिल हुई, पूर्व सैनिक शामिल हुए, युवा और बड़े, बुजुर्ग और वरिष्ठ आंदोलनकारी इस मूवमेंट का आज हिस्सा बने। और एक संदेश यहाँ से सभी आंदोलनकारियों ने सरकार को दिया है कि हम अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। सरकार को जल्द से जल्द मूल निवास 1950 और इस हमारे राज्य में सशक्त भू कानून लागू करना ही होगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरह आगे बढ़ेगा। पूरे प्रदेश भर में हर हिस्से में इस आंदोलन की गूंज होगी। तो सरकार को समझना चाहिए, जनता सड़कों पर उतर आई है, जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, जनता क्या चाहती है सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। आज कोटद्वार में मूल निवास स्वाभिमान महारैली आयोजित हुई और टिहरी के बाद कोटद्वार में भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और सबकी यही मांग थी कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द मजबूत भू कानून और मूल निवासियों को अधिकार मिले। 200 विभिन्न संगठनों ने आज मूल निवास स्वाभिमान रैली जो कोटद्वार में आयोजित हुई उसको समर्थन दिया और सबकी एक ही मांग थी कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द मूल निवास भू कानून लागू होना चाहिए। अब ये आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, जहां घर घर से, गांव गांव से ये आवाज़ आ रही है कि हमें भू कानून मूल निवास चाहिए, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये बता रहा है कि 24 सालों में जो उत्तराखंड में हुआ है कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको अधिकार नहीं मिला है, उसके खिलाफ जनता का जो आक्रोश है वो किस स्तर में आ चुका है कि जहाँ जहाँ महारैली हो रही है वहाँ हजारों की संख्या में स्वतः स्फूर्त लोग सड़कों पर आ रहे हैं और इसी क्रम में अब गांव गांव, घर घर, ब्लॉक ब्लॉक, जिले वाइज उत्तराखंड में मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन पहुंच रहा है और इसी क्रम में आगे भी ब्लॉक स्तर में, ग्राम स्तर में मूल निवास समन्वय समिति अब आंदोलन करेगी और जब तक हर गांव से मूल निवास कानून की मांग नहीं आती और जब तक उत्तराखंड सरकार मूल निवास कानून लागू नहीं करती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।